हाँ कम्प्लेन की है। किस लिए कम्प्लेन किया? कम्प्लेन इसलिए कि गौरव हमारे साथ विश्वासघात किए हैं। मतलब क्या लग रहा है, किस चीज का विश्वासघात किया? कि पैसे जो है जो डोनेशन आए हैं अपने बीवी के नाम, अपने भाई के नाम और अपने नाम, ये अकाउंट नंबर दे रखे थे उसमें पैसे आए हैं। अच्छा, उसके अकाउंट नंबर में पैसे आए? हाँ जी। जो डोनेशन बाहर से आए? हाँ। तो आपको कैसे पता चला ये? हमें ऐसे पता चला कि गौरव जी जिस समय जब 7 तारीख गौरव जी वीडियो बनाए थे, 8 तारीख के नहीं कम था, और 9 तारीख का पूरा पब्लिक जैसे आप लोग आए हो इसी तरह भीड़ इकट्ठा हुई, सुबह से शाम तक जो भी आता था, कोई 100, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, हमें सब जैसे ही गए थे, जो कि हमारे पास 9 तारीख को 75,000 रुपए इकट्ठा हुए थे। शाम को गौरव जाए बोले बाबा चलो यहाँ घर में रखना पैसा ठीक नहीं है, बैंक में जमा करवा देते हैं। बाबा ठीक भैया, हमें साथ ले गए बैंक, अपना उन्होंने फार्म भरा। फार्म वार्म भरने के बाद बोले बाबा तुम्हारा खाता सील हो गया है। उन्होंने अच्छा, तो पैसे जमा कराने के लिए तो उन्होंने फार्म भर के अपना पैसे जमा कराए ना कराए, उन्होंने हमें रसीद नहीं दिया कि बाबा ये रसीद संभाल रखना, ये पीछे से जमा हमें नहीं दिखाए ना हमें दिए, वो रसीद वो जाने उनका काम जाने। फिर बोले बाबा हमारे पास 2 लाख रुपया है, हम तुम्हें दे देंगे। मैं कहा अच्छा, तो बैंक हमारे को वहाँ से बैंक से नीचे उतरे, बोले बाबा एक वीडियो बना ले। मैं कभी बना लो वीडियो, तो वीडियो बनाए तो बोले बोल दो कि हमारी मदद हो चुकी है, अब हमारी मदद नहीं चाहिए, तुम किसी और गरीब आदमी हमारे जैसे उनकी मदद करो। हमने ये बोल दिया है। अच्छा, उसके बाद में अपने घर हो गए, अपने घर हमारे। अब घर की तरफ निकले? हाँ, क्यों दुकान बंद हो गई, तुम घर रहो, अपने घर हम आ गए। फिर रात को 10 तारीख को, हाँ 9 तारीख को रात को हमारे को टेलीफोन आया कि बाबा अपना खाता नंबर दे दो कि हम तुम्हारे खाते में पैसे देंगे, अगर हम प्रेस वाले खाते में देते हैं उसमें दे ना दे तो कोई भरोसा नहीं। किसने बोला आपको? गौरव नहीं, जो पैसे देने वाले थे। अच्छा, भाई हमें नाम पता उनका मालूम नहीं, कौन नंबर हमें इतने पूछे थे। तो मैं बोला ठीक, हमने खाता नंबर को दे दिया, बैंक का नंबर नहीं बताया कि ये सेंट्रल बैंक है, सिर्फ खाता नंबर दिया तुमको। अच्छा, जो आता था उसको मैं खाता नंबर दे दी। सुबह 10 तारीख को सुबह गौरव आए, बोले बाबा तुम पता नहीं किसको किस बात खाता नंबर दे दिए हो, हैं कल को तुम फंस जाओगे तो तुम्हें लोग जेल कर देंगे। मैं बोला भैया, तो सुशांत जो थे उन्होंने बोले कि बाबा अपना मोबाइल हमें दे दो, मोबाइल हमने उनको दे दिया। हम मोबाइल को मुझे नहीं पता भाई कहाँ वो बात करें, कहाँ क्या करें, क्या आया क्या गया, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा, उसके बाद में गौरव आते थे तो कभी फोटो खिंचवा लेते थे, कभी कोई एक्टर आ गया उसे फोटो खिंचवाते, पता नहीं कहाँ गुलशन कुमार की लड़की आई थी उसको फोटो खिंचवाए थे। उसके बाद में गौरव जी एक बार केक कटवाए थे, तब आए थे। उसके बाद फिर गौरव आना बंद कर दिया, फिर नहीं आते थे कहीं कहाँ बना बंद कर दिए। तो ये 25 तारीख को शाम को सुबह किसी टाइम में सुशांत जी बोले बाबा ये बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे आए। मैं बोला भैया कैश में मेरे पास 75,000 रुपये आए थे जो हम जमा करा दिया, जमा नहीं अभी गौरव के पास है, हमें दिया नहीं अभी, और 1 लाइन पैसे जो है मेरे खाते में आया नहीं, मुझे नहीं पता कुछ क्या है क्या नहीं है। बोला ठीक है। तो उसके बाद में ये लिखा गया वीडियो में कि उसके बाद में जब वो वीडियो गई है तो 26 तारीख को गौरव 1-1.30 बजे करीब चेक लेके आए थे गौरव जी। तो गौरव जी कहने लगे ये लोग बोले कि बाबा गए आँख बनवाने गए हैं, मैं था नहीं यहाँ पे। तो गौरव चेक लेके चले गए, जब चेक लेके चले गए शाम को आए घर पे, तो घर पे लोग लड़ाई कर रहे थे अपना, गौरव सुशांत में हो रहा था। आपके
आपके घर में गए? हमारे घर पे हाँ। तो मैं बोला भाई क्या बात हुई है? तो बोले बाबा कुछ नहीं, मजाक आप उसमें हो रहा है। तो गौरव के भाई ने करण ने सुशांत पे हाथ उठा दिया था मारने के लिए, गौरव ने रोक दिया था उसमें। ये तो मैं बाद में बताया, लड़का मारा सामने था उसमें, हम तो थे नहीं, मगर शायद हाथ उठाए थे लोग बता रहे थे। तो गौरव जी हमें चेक दिए, बोले बबा ये चेक है 2,33,697 चेक, तुम्हारे हाथ में दे करके ऐसाई फोटो अपना खींचे, वो फोटो खींचने के बाद में बोले बाबा चेक हमें दे दो, फिर उसका फोटो शेयर करवा दें। मैंने कहा ठीक है, बोले गए करवा के अपना लाएं, फिर बोले वापस इसको साइन कर दो, साइन कर दो। तो हमने तारीख डाल के साइन कर दिया 24 तारीख। फिर गौरव जी बोले बाबा हमारा तुम्हारा लेन देन खत्म। मैं बोला खत्म बेटा कोई बात नहीं, खत्म है। फिर पता चला कि गौरव जी किसी से बात किए थे, जो कि इस वीडियो में आया था कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। तो जब बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं तो क्या गौरव को सपना रहा था क्या? आप खुद बताओ, सपना रहा था उनके पास कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए? या जब हमारा खाता सील है या तो बैंक मैनेजर बताएगा कि बाबा खाते में पैसे आए हैं, हमें तो मालूम नहीं है। तो बाबा खाते में पैसे आएगा इसी 20 लाख रुपए हैं? तो गौरव ने हमारे कंधे बंदूक रख के चलाए हैं, जो पैसा है उनके बीवी उनके भाई गौरव के खाते में आए हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जिनका पैसा है वो तो या तो अपना गौरव से हिसाब करके ले लें, अपने घर रखें, हमें थोड़ी ये है कि, मगर जहां उनको पैसा नहीं पहुंचा है अपना पैसा गौरव से लें, उस पैसे को अपने पास रख लें। अगर अपने पास नहीं रखना चाहते तो देखो सेंट्रल बैंक में हमारा खाता है 10,111 42,764, ये नंबर है।